चलिएगा, तो हम बात करेंगे 1857 के रिवोल्ट के दूसरे मुख्य कारण की, जिसको हम बोल रहे हैं पॉलिटिकल कॉज, इट मींस राजनीतिक कारण। ठीक है, तो अब यहाँ पे चर्चा की जाएगी कि 1857 के रिवोल्ट में राजनीतिक कारणों का क्या इम्पोर्टेंस था या राजनीतिक क्या कारण थे। तो आप लोग सबसे पहले इस बात को समझें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो काफी लालची या काफी ज्यादा लालच से भरी हुई कंपनी है, जिसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। और अब आप ये समझें कि अगर हम पॉलिटिकल मामलों की बात कर रहे हैं, राजनीतिक मामलों की बात कर रहे हैं, इट मीन जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हो गया इंडिया पर, वो एक रीजनल पावर के रूप में स्टेब्लिश हो गई और उसके हाथ में पॉलिटिकल पावर्स जब आ गई, तो अब वो इन पॉलिटिकल पावर्स का यूज किस काम में करेगी। आप लोग ये समझें कि पॉलिटिकल पावर्स का जो यूज होता है वो पब्लिक के एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक के वेलफेयर के लिए होता है, लेकिन ये कंपनी तो लालची है, तो फिर ये क्या करने वाली है, ये कंपनी अपने इन पॉलिटिकल राइट्स के माध्यम से अपने लालच को पूरा करने वाली। ठीक है, तो अब आप ये समझे कि ईआईसी वॉज ग्रीड फॉर पावर लैंड रिसोर्सेस। ठीक है ना, तो पावर लैंड और रिसोर्सेस के प्रति काफी ज्यादा लालची है। एक तो शक्ति हो गई है, दूसरी हो गई है लैंड यानी जमीन, और रिसोर्सेस यानी साधन के प्रति ये जो कंपनी है काफी लालची है। और अब चूंकि इसके पास पावर है, इसके पास पॉलिटिकल अथॉरिटी है, तो ये जो कंपनी है कई सारे नेटिव रूलर्स, कई सारे प्रिंसली रूलर्स या प्रिंसली स्टेट्स को अपने कंट्रोल में करना चाहेंगे, अपने नियंत्रण में, अपनी टेरिटरी में शामिल करना चाहेंगे, जिससे ये वहां के रिसोर्सेस का भी क्या कर सके, दोहन कर सके, वहां की जनता के ऊपर भी क्या कर सके, अत्याचार कर सके और उनका भी आर्थिक शोषण कर सके। ठीक है, तो अब इस बात को समझते हैं और इसमें क्या क्या इन लोगों ने किया इस बात को समझते हैं। ठीक है, ब्रिटिश पॉलिसीज सच एज इफेक्टिव रूल, सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, ये तीन चीजें हैं जो हमें समझना है। एक तो इफेक्टिव रूल समझना है, दूसरा सब्सिडरी अलायंस हम जानते हैं, और तीसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि राजनीतिक रूप से क्या प्रोसिक्यूशन या फिर क्या अत्याचार इन लोगों के द्वारा किए गए थे। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता था कि जैसे दो राज्यों के बीच में झड़पें हो रही हैं या दो राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद है, कोई डिस्प्यूट है, और अगर वो वॉर तक की कंडीशन में पहुंच गए हैं, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि उस राजा का साइड लेते थे जो उनके इंटरेस्ट को पूरा करता था, या उस राजा का साइड ले लेते थे जो उनके इंटरेस्ट को पूरा कर लेता था। ठीक है, द बेक स्टेप्ड मेनी ऑफ देम ड्यूरिंग वॉर्स, साइडिंग विद द स्टेट विच सर्व्ड देयर इंटरेस्ट द बेस्ट एंड चार्जिंग एक्सट्रीम प्राइस फॉर देयर वॉर सर्विस एंड लॉसेस। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे क्या होता, ब्रिटिशर्स उस स्टेट या उस राजा का पक्ष ले लेते थे जो इनके इंटरेस्ट को, इनकी सर्विस चार्जेस को, इनकी जो प्राइसेस हैं उन्हें पूरा कर देता था, इनके इंटरेस्ट को पूरा कर देता था, उसका पक्ष ले लेते थे। ठीक है, तो जो, और फिर जब वॉर पूरा हो जाता था, वॉर कंप्लीट हो जाता था, तो ये काफी ज्यादा चार्ज लगाते थे, काफी ज्यादा प्राइस चार्ज उनके ऊपर लगाते थे, काफी ज्यादा वॉर लॉसेस के प्राइस के चार्ज उन राजाओं पर लगाते थे। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे इंडियन रूलर्स के मन में, इंडियन रूलर्स के दिमाग में एक डाउट पैदा होता है किसके खिलाफ, किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पॉलिसीज मैंने बताई, एक तो इफेक्टिव रूल, दूसरा है सब्सिडरी अलायंस, और तीसरा क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। इन पॉलिसीज को आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी सुन चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इफेक्टिव रूल का मतलब होता है कि वो रीजन, वो क्षेत्र जहाँ पे अंग्रेजों ने युद्ध के माध्यम से उन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया है, और अब वहां पर पूरी तरह से शासन इनके हाथ में है, और ये इफेक्टिवली वहां पर रूल कर रहे हैं, मजबूती से वहां पर शासन कर रहे हैं और वहां पर अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव रूल का मतलब ये हो गया है। दूसरा हम बात कर रहे हैं सेकंड नंबर पे, जो हमने पॉलिसी पढ़ी है जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, तो दूसरी पॉलिसी की मैं यहां पर बात कर रहा हूं जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस की अगर बात की जाए तो इसको हिंदी में कहा जाता है सहायक संधि। और ये जो सब्सिडरी अलायंस का कंसेप्ट था, ये उस समय के भारत के गवर्नर जनरल जो बंगाल में थे, जिनका नाम था लॉर्ड बेलेजली या आर्थर बेलेजली, उनके द्वारा, सॉरी हाँ, बेलेजली के द्वारा लाया गया था, जिनका शासनकाल 1798 से 1805 तक था। तो लॉर्ड बेलेजली जो कॉर्नवालिस के बाद, सॉरी लॉर्ड बेलेजली जो आते हैं भारत में गवर्नर जनरल बनकर 1798 से 1805 तक, इनके द्वारा जो पॉलिसी लेकर लाई जाती है उसे हम बोलते हैं सहायक संधि। अभी सहायक संधि का क्या कंसेप्ट था उसको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए, सहायक संधि का ये टारगेट था, ये ऑब्जेक्ट था कि एक ब्रिटिश आर्मी, एक ब्रिटिश ट्रूप्स की जो फोर्स थी, ब्रिटिश
जो आर्मी थी उसे इंडियन रूलर को अपने राज्य में रखना होता था, ठीक है। भारतीय शासक को, ब्रिटिश फोर्स को अपने राज्य में रखना होता था, अपने खर्चे पर रखना होता था, ठीक है। तो इंडियन रूलर अपने एक्सपेंसेस पर, अपने एक्सपेंडिचर पर, अपने खर्चे पर एक ब्रिटिश आर्मी को अपने राज्य में रखता था, ठीक है। अब ये जो ब्रिटिश आर्मी है ये क्या करेगी, बदले में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी, रक्षा प्रदान करेगी, किसको, राजा को, इंटरनल और आउट, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से। यदि किसी दूसरे बाहरी राजा का आक्रमण होता है तो उससे भी, और इंटरनल अगर उसके राज्य में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम किसका होगा, इस फोर्स का होगा, ठीक है। अब साथ ही साथ क्या होता था, कंडीशन और भी ज्यादा थी। कंडीशन ये थी कि अब एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी वहां पर अपॉइंट किया जाएगा, एक ब्रिटिश रेजिडेंट को उस स्टेट में अपॉइंट किया जाता था, उस राज्य में नियुक्त किया जाता था। और ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट होता था ये कई मामलों में इंटरफेयर करता था। अब जो इंडियन रूलर है वो किसी दूसरे नाइबर स्टेट के साथ किसी प्रकार का अगर पॉलिटिकल वो कोई संधि करता है, कोई ट्रीटी करता है, कोई समझौता करता है, तो उसे पहले परमिशन लेना पड़ती थी किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। इट मींस कि अब उसके जो पॉलिटिकल मामले हैं उसमें भी इंटरफेयर शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो किसी के साथ समझौता, ट्रीटी वगैरह नहीं कर सकता है। नाम मात्र के लिए बोला जाता था कि आपके ऊपर किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, बट ऐसा होता नहीं था, ठीक है ना। हर एक मामलों में ब्रिटिशर्स का इंटरफेयर शुरू हो जाता था। इसका मतलब ये है कि एक तो इन्हें ब्रिटिश आर्मी को रखना पड़ रहा है अपने खर्चे पर, इससे नुकसान ये होगा कि इनकी जो अपनी फोर्स है, इनकी जो अपनी सेना है, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी और उसकी जो नीड है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्योंकि राजा को सिक्योरिटी देने के लिए तो ब्रिटिश फोर्स है, अगर इंटरनल कोई प्रॉब्लम होती है तो भी ये है। अब देखिए, डर इस बात का भी नहीं है कि पब्लिक कुछ करने वाली है, क्योंकि अभी ये क्या करेंगे, पब्लिक के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी इन्हें पब्लिक का डर नहीं है, क्योंकि पब्लिक से प्रोटेक्शन के लिए इनके पास दूसरी सेना है। अब ये क्या करेंगे, टैक्स ज्यादा लगाएंगे और इन्हें पब्लिक का डर नहीं है, जिससे पब्लिक को नुकसान होना शुरू होगा, जनता को नुकसान होना शुरू होगा, जनता का इकोनॉमिकल लॉस होगा, ठीक है। और जो भी इनकम, जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस रेवेन्यू का मैक्सिमम पार्ट तो किस पर खर्च हो रहा है, उस सेना पर खर्च हो रहा है, क्योंकि काफी खर्चीली होती थी। हर एक सोल्जर को सैलरी भी इनके द्वारा दी जाती थी, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात इस पॉलिसी से क्या होता है कि इंडियन प्रिंसली स्टेट, भारतीय जो स्वतंत्र राज्य थे, उनकी इंडिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है, उनकी स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है, एक प्रकार से उनकी सॉवरेनिटी खत्म हो चुकी है। उन्हें अब हर मामलों में इंटरफेयर हो रहा है, उनके हर एक मामलों में इंटरफेयर किया जा रहा है और वो किसी के साथ समझौता नहीं कर सकते। तो यदि कोई भारतीय राज्य सब्सिडियरी अलायंस पर साइन करता था तो ये मान लिया जाए, ये पूरी तरह से समझ लिया जाए कि वो पूरी तरह से अब इंडिपेंडेंस नहीं है, अब वो परतंत्र हो चुका है, अब वो कंट्रोल में आ चुका है किसके, ब्रिटिशर्स के, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो ध्यान में रखना है आप लोगों को, और ये कंडीशंस थी किसकी, ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस की। अब कौन कौन से स्टेट्स थे जिन्होंने इस ट्रीटी पर साइन किया था, सबसे पहले किन राज्यों ने इस संधि पर अपने हस्ताक्षर किए थे, तो सबसे पहला नाम आता है हैदराबाद के निजामों का, और हैदराबाद के निजामों ने 1798 में, 1798 में सबसे पहले सब्सिडियरी अलायंस को साइन किया था, ठीक है। दूसरा नाम आता है मैसूर का, 1799 में, जब चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को हरा कर उसकी हत्या कर दी गई थी, या वो वीरगति को प्राप्त हुआ था, तब 1799 में मैसूर को एनेक्स कर लिया गया था और उस पर वाडियार वंश के एक रूलर को अपॉइंट करके उस पर सहायक संधि थोप दी गई थी, ठीक है। तीसरे नंबर पे तंजावुर आता है जो 1799 में इस ट्रीटी को साइन करता है। फिर अवध की बात की जाए तो अवध 1801 में इस ट्रीटी को साइन कर लेता है। देखिए, अवध जो है वो काफी फ्रेंडली स्टेट के रूप में देखा जा रहा है, काफी मित्रवत राज्य के रूप में देखा जा रहा है, और जब से बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब की हार हुई है तब से ये ब्रिटिशर्स के सपोर्टर बन गए हैं, सहायक बन गए हैं, और हर एक आज्ञा का एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह पालन कर रहे हैं, ठीक है। किसकी, ब्रिटिशर्स की या अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों के एक सहायक और एक शुभचिंतक के रूप में यहाँ पे देखा जा रहा है अवध के नवाबों को, ठीक है। और इन्होंने भी 1801 में साइन कर लिया ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। पेशवाओं की बात करें, मराठा पेशवा की बात की जाए तो यहाँ पे जो पेशवा थे आपके बाजीराव सेकंड, बाजीराव द्वितीय, इनके द्वारा ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस पर साइन किया गया 1802 में। एक ट्रीटी की गई थी ट्रीटी ऑफ बेसिन, उसी के साथ की गई थी ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, क्योंकि उस समय पेशवा पर या पुणे पर कब्जा हो गया था किसका, होलकरों का, और होलकरों को वहां से हटाने के लिए अंग्रेजों से हेल्प लेना पड़ी थी किसे, आपके बाजीराव द्वितीय को, ठीक है। फिर हम बात करें सिंधिया की, तो दूसरे मराठा कॉन्फेडरेसी में जो थे सिंधिया, उन्होंने भी इस ट्रीटी पर साइन कर लिया था 1803, 1803, 1804 में। भोसले जो एक और कन्फेडरेसी थी, उन्होंने 1803 में साइन कर लिया था। इसके अलावा जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, बूंदी, कई सारे ऐसे इंडियन स्टेट्स या भारतीय राज्य थे जिन्होंने इस ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस को अपना लिया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रीटी ऑफ लेप्स या डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, यानी कि हड़प नीति, जो लेकर आया था डलहौजी। चलिएगा, तो अब जो दूसरी पॉलिसी है उसकी बात करते हैं। पहले नंबर पे हमने डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस की बात की।
जिसे आर्थर बेलेजली या लॉर्ड बेलेजली लेकर आए थे। और अब हम दूसरी बात करते हैं, देखिए दो लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, एक बेलेजली और दूसरा डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जिसने हड़प नीति लेकर आया था, जिसे हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स का मतलब होता है हड़प नीति, और इस हड़प नीति को लेकर आने वाला जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था उसका नाम था डलहौजी, ठीक है, जो 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो कंसेप्ट लाया है हड़प नीति का, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात, इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई लॉर्ड डलहौजी, इसे इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स वॉज यूज बाई हिम टू एनेक्स द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट। तो ऑब्जेक्ट क्या था इस पॉलिसी का, भारतीय स्वतंत्र राज्यों को, इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट्स को ब्रिटिश ईस्ट इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत क्या कर लिया जाए, एनेक्स कर लिया जाए या उनके नियंत्रण में ले लिया जाए, ठीक है। तो इस पर्पस के साथ इस पद्धति को, इस नीति को, इस पॉलिसी को लेकर आया था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। दूसरी बात, इट वॉज बेसिकली ऑन आइडिया टू एनेक्स दोस स्टेट्स विच हैव नो हेयर। तो बेसिकली इस पॉलिसी का आइडिया कैसा है, इस पॉलिसी की पद्धति कैसी है, कार्यप्रणाली कैसी है, तो बस ये समझें कि उन इंडियन स्टेट्स को या उन राज्यों को हड़पा जाएगा, उन राज्यों को ब्रिटिश ईस्ट इंडियन टेरिटरी में मर्ज किया जाएगा जिन राज्यों के शासकों का कोई भी रियल या वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, उनका एक वास्तविक या रियल हेयर नहीं है, उनका उत्तराधिकारी अगर नहीं है। तो भारतीय राज्यों में, भारतीय शासकों में एक परंपरा चली आ रही थी कई वर्षों से कि ये जब इनका कोई रियल उत्तराधिकारी या सक्सेसन नहीं होता था तो ये एक बच्चे को गोद ले लेते थे, किसी भी बच्चे को क्या कर लेते थे, गोद ले लिया जाता था, ठीक है। और इस पद्धति से इनके स्टेट्स कई वर्षों से, कई समय से चले आ रहे थे, लेकिन डलहौजी ने इस नीति को अपनाने से मना कर दिया और उसने अपनी इस पॉलिसी के तहत कई इंडियन स्टेट्स को हड़पने की कोशिश की और कई इंडियन स्टेट्स को हड़पा भी, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई है कि बेसिकली क्या बात बोली गई है, इट वॉज बेसिकली ऑन आइडिया टू एनेक्स दोस स्टेट्स विच हैव नो रियल हेयर, ठीक है। इट मीन्स द राइट ऑफ रूल ऑफ स्टेट हैविंग नो हेयर विल गेट लैप्स्ड एंड इट विल नॉट रिवर्टेड बाई एडॉप्शन, ठीक है। तो ये जो पद्धति है इसके अंतर्गत उन राज्यों को लैप्स का, उनके जो रूलर्स हैं उनका जो रूलिंग राइट है सक्सेशन का, वो लैप्स कर दिया जाएगा और ये एडोप्टेड पुत्रों को या एडोप्टेड सक्सेसर्स को उन राज्य का शासन नहीं दिया जाएगा। इस नीति का पालन किया है और इस नीति को इंट्रोड्यूस किया है किसने, लॉर्ड डलहौजी ने, जब वो इंडिया आता है और इंडिया में इस पद्धति को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। हालांकि देखिए 1857 के रिवोल्ट के बाद ना इस पद्धति को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि इंडियन रूलर्स या इंडिया के जो रजवाड़े के जो रूलर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को काफी सपोर्ट किया था, काफी सहायता दी थी रिवोल्ट को शांत कराने में और उनके शुभचिंतकों की तरह इन्होंने वहां पर एक्टिविटी की थी, ठीक है। चलिए, हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि इस नीति के तहत किन किन स्टेट्स को हड़पा गया था। तो सबसे पहला स्टेट जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़पा था वो था सतारा, और आप सभी को पता है कि सतारा है, सतारा जो है इसे हड़पा गया था 1848 में, 1848 में। और आप सभी को पता है कि सतारा पर किसका शासन होता था, सतारा के रूलर कौन थे या शासक कौन थे। तो हमें पता है कि जब मराठा विक्ट्री हुई थी, मराठों पर विजय प्राप्त हुई थी अंग्रेजों की या ईस्ट इंडिया कंपनी की, आंग्ल मराठा वॉर हमने डिस्कस किया था, और जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था वो 1817 से 1818 के तक चला था। और इस युद्ध में जो क्या थे कि जो पेशवा थे बाजीराव सेकंड, वो उनकी हार हो गई थी, और जो बाकी मराठा कॉन्फेडरेसी जिन्होंने यूनियन बनाकर युद्ध लड़ने की कोशिश की थी, लाइक भोंसले हैं, जो होलकर हैं, इनकी भी हार हो गई थी, ठीक है। फाइनली इन सब पर ब्रिटिशर्स का नियंत्रण हो गया था। तो क्या हुआ था कि पेशवा जो थे बाजीराव सेकंड, उन्हें पुणे से भेज दिया गया था कानपुर के पास, बिठुर नामक एक स्थान है वहां का राजा बनाकर, वहां पर भेज दिया गया था और उन्हें पेंशन दे दी गई थी, ठीक है। तो पुणे को खाली कर दिया गया था। अब 1818 में ही अंग्रेजों ने क्या किया कि मराठों का या मराठी लोगों का एक जो रिस्पेक्ट है, एक जो उनकी डिग्निटी है वो बनी रहे, उनका जो विश्वास है वो बना रहे अपने रूलर्स पर, तो इन्होंने क्या किया, सतारा में
छत्रपति शिवाजी के वंश के ही किसी छोटे से पुत्र को जिनका नाम प्रताप हुआ करता था, उन्हें क्या किया था, अपॉइंट कर दिया था सतारा का रूलर। ठीक है, तो सतारा में छत्रपति शिवाजी के वंश के रूलर्स रूल करने लगे थे या रूल वही वहां पे शासक हुआ करते थे। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, 1848 के दौर में सतारा के जो रूलर्स होते हैं उनका कोई भी सक्सेसर या रियल सक्सेसर नहीं होता है और वो किसी पुत्र को एडॉप्ट करते हैं जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी मानने से इनकार कर देती है। ठीक है, या डलहौजी मानने से इनकार कर देते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट इंडियन स्टेट दैट वॉज एनेक्स्ड बाय द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, तो आंसर आपका होगा सतारा। और जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो डलहौजी बेलेजली की सहायक संधि पर साइन करने वाला फर्स्ट इंडियन स्टेट कौन सा होगा, तो आपका आंसर होगा हैदराबाद स्टेट, जिसमें रूल कर रहे थे कौन, निजाम। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो दूसरा आता है जैतपुर। जैतपुर इस नीति के तहत हड़पा गया था 1849-1849 में। 1849 में जैतपुर नामक स्टेट को हड़पा गया। फिर नाम आता है संबलपुर, संबलपुर को भी 1849 में हड़पा गया। संबलपुर को भी 1849 में हड़पा गया। फिर आता है बघात, बघात को 1850-1850 में इस नीति के तहत हड़पा गया। फिर आता है उदयपुर, उदयपुर को हड़पा गया था 1852 में, 1852 में। ये उदयपुर छत्तीसगढ़ में आता है। ठीक है, उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, ये उदयपुर कहां का है, छत्तीसगढ़ का। फिर सबसे फेमस यहां पे नाम आता है झांसी, और झांसी को 1853 में एनेक्स किया गया था। झांसी में जो रूल कर रहे थे झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, और उनकी इस स्टेट को, उनके इस राज्य को ब्रिटिशर्स ने हड़पने की कोशिश की, हड़पा है 1853 में, जिसके खिलाफ इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में काफ़ी मजबूती के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अपना अपने शौर्य का परिचय दिया, अपनी बहादुरी का परिचय दिया और वीर गति को प्राप्त हुई। ठीक है, और अंग्रेजों ने इनकी बहादुरी को का विवरण भी किया है, इनकी जो बहादुरी थी, इनका जो शौर्य था उसको डिस्क्राइब भी किया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नागपुर की। 1854 में नागपुर को एनेक्स किया गया। तब आप लोग देख रहे हैं कि 7 इंडियन स्टेट्स हैं, 7 भारतीय राज्य हैं जिन्हें इस नीति के तहत हड़पा गया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स की पद्धति के तहत हड़पा गया था। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल कारण था ब्रिटिशर्स के द्वारा जो इंडियन स्टेट्स को एनेक्स किया जा रहा था इस तरह के बहानों के नाम से, इस तरह की पद्धतियों के नाम से, और उनकी जो अधिकार थे, उनके जो राइट्स थे, उनकी जो इंडिपेंडेंसशिप थी वो खत्म की जा रही थी। ठीक है, यही एक कारण था कि जो इंडियन रूलर्स थे, इंडियन शासक थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कट्टर दुश्मन बन गए थे। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर झांसी की रानी काफी बड़ी दुश्मन हो गई है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसी के तहत और आगे जाते हैं, देखिए अब यहाँ पर ये दो तो मैंने आप लोगों को पद्धतियां बताई, और क्या करता है डलहौजी, डलहौजी की नीतियों में और क्या होता है। ठीक है, देखिए जो डलहौजी है अब क्या करता है कि मुगल जो रूलर्स थे, जो मुगल शासक थे, उनके साथ भी कुछ इस तरह की एक्टिविटी करता है। और जो मुगल रूलर्स होते हैं उस समय पर, अंतिम मुगल शासक जिनका नाम होता है बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर के जो सक्सेसर होते हैं उनके पुत्र जिनका नाम था फखरुद्दीन, तो प्रिंस फखरुद्दीन की 1856 में मृत्यु हो जाती है, 1856 में डेथ हो जाती है। तो ब्रिटिशर्स उस समय पर क्या करते हैं कि उनके जो सक्सेसर, जो उत्तराधिकारी होते हैं, उनके दूसरे पुत्र, उनको रिकॉग्नाइज करने से मना कर देते हैं, उनको प्रिंस या इस तरह के टाइटल देने से मना कर देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है कि जब लॉर्ड कैनिंग अगला गवर्नर जनरल बनकर 1856 में भारत आता है, तो लॉर्ड कैनिंग की ओर से ये आदेश दिया जाता है कि अब ये जो प्रिंस होंगे इन्हें इंडिया के इंपीरियर का टाइटल नहीं दिया जाएगा, इन्हें सम्राट की उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है, इन्हें सम्राट की उपाधि नहीं दी जाएगी और सिर्फ राजा की उपाधि दी जाएगी, इन्हें इंपीरियर का टाइटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट किया जाता है कैनिंग के द्वारा, और साथ ही ये ऑर्डर या ये आदेश भी दिया जाता है कि आपको अपना जो एंसेस्ट्रल प्लेस है, जहाँ पर आप कई वर्षों से रह रहे हैं, इस जगह को, इस किले को, यानी लाल किले में जहाँ पर ये लोग रह रहे थे मुगल शासक, इन्हें आदेश दिया जाता है कि आपको लाल किले को खाली करना होगा।
क्योंकि लाल किले पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करेगी या वहां से वो अपना एक ऑफिस या वहां पर अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है, तो लाल किले को खाली करने का आदेश दिया जाता है मुगल शासक बहादुर शाह जफर को, और उनसे कहा जाता है कि अब आप दिल्ली में ही जो महरौली में जो कुतुब मीनार वाला जो क्षेत्र है वहां पे एक छोटा सा एरिया, एक छोटा सा क्षेत्र था, वहां पे अब आपको अपना निवास स्थान दिया जा रहा है, अब आपको वहां पर रहना है और लाल किले को खाली करना है। तो देखिए, ये जो आदेश दिया गया है, ये जो ऑर्डर दिया गया है किसे, मुगल बादशाह या मुगल शासक बहादुर शाह जफर को, ये उनके लिए काफी एम्बरेसिंग सिचुएशन है, काफी अपमानजनक स्थिति की बात है। क्योंकि एक तो उनके आने वाले सक्सेसर से या उत्तराधिकारियों को ये बोल दिया गया है कि अब आपको टाइटल्स या उपाधियां नहीं दी जाएंगी, अब आपको सिर्फ राजा माना जाएगा। दूसरा, उन्हें बोल दिया गया है कि अब आप जो है अपने जो रेसिडेंस है उसको खाली करके कहाँ चले जाइए, दूसरे स्थान पर चले जाइए, लाल किले को खाली कर दीजिए। ठीक है, देखिए इस समय तक जो मुगल्स की स्थिति थी, जो कंडीशन थी, वो सिर्फ नाम मात्र के इंडियन इंपीरियर्स थे, इनकी बिल्कुल भी पावर या क्षमता इनके पास कुछ नहीं बची थी, इनके अंदर इतना इतना कैपेबिलिटी नहीं थी कि ये भारत को ब्रिटिश रूल से रक्षा कर पाए, इनसे लड़ पाए। ठीक है, तो इनकी स्थिति काफी कमजोर थी, और इनके दरबार में अगर बात की जाए तो उस समय पर मुश्किल से कुछ 100 के लगभग दरबारी हुआ करते थे या कुछ लोग हुआ करते थे। ठीक है ना, तो इनकी कंडीशन उस समय काफी दयनीय स्थिति में हुआ करती थी। तो जब ये आदेश दिया गया तो ये काफी एम्ब्रेसिंग सिचुएशन होती है फॉर द माइटी मुगल रूलर्स। अब देखिए, ये अकेले नहीं होते हैं, इनके साथ में कई सारे लोग, इनके दरबार में रहने वाले लोग होते हैं जिनके अस्तित्व पर या जिनके ऊपर भी अब इस चीज से काफी प्रभाव पड़ने वाला है, जैसे कि आर्टिस्ट, सिंगर्स, डांसर्स, मौलवी, पंडित एक्सेट्रा, बट डिपेंडेंट ऑन एरिस्टोक्रेसी वर अफेक्टेड। तो अब ये जो मौलवी हैं, ये जो पंडित हैं, ये जो विद्वान हैं, कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, सिंगर हैं, पेंटर्स हैं, जिन्हें मुगलों के द्वारा, कई इंडियन रूलर्स के द्वारा संरक्षण दिया जाता था, अब ये एक प्रकार से जॉबलेस हो जाएंगे, इनके अस्तित्व पर प्रभाव पड़ने लगेगा, और ये एक प्रकार से बिना कार्य के हो गए हैं, और इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक इवेंट जो होता है जिससे मुगल्स या बहादुर शाह जफर भी अंग्रेजों के काफी ज्यादा कट्टर दुश्मन के रूप में बन जाते हैं, या उनके खिलाफ दुश्मनी उनमें भी आ जाती है। ठीक है, यही कारण होता है कि जब रिवोल्ट शुरू होता है और 10 मई या 11 मई 1857 को मेरठ के इन्फेंट्री के सिपाही जब दिल्ली पहुंचते हैं और बहादुर शाह जफर को कहते हैं कि आप हमारे इस रिवोल्ट के लीडर के तौर पर अपॉइंट होइए या लीडर के तौर पर नियुक्त किया जाता है, और उन्हें किंग इंपीरियर ऑफ इंडिया या शहंशाह हिंदुस्तान के रूप में प्रोक्लेम कर दिया जाता है। ठीक है, तब रिलक्टेंटली यानी अनिच्छा पूर्वक ही सही, लेकिन बहादुर शाह जफर इस महान क्रांति के लीडर के रूप में अपने आप को सहमतवाते हैं, या वो अपने आप को एग्री करते हैं। ठीक है, तो इस रिवोल्ट के लीडर के तौर पर ही किसे अपॉइंट किया जाता है, बहादुर शाह जफर को। 11th ऑफ मई 1857 को उन्हें प्रोक्लेम कर दिया जाता है शहंशाह हिंदुस्तान यानी किंग इंपीरियर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, अब इसी के साथ एक और इवेंट की अगर हम बात करें तो 1851 में जो अंतिम पेशवा होते हैं जिनका नाम था बाजीराव सेकंड, उनकी डेथ हो जाती है कहां पर, कानपुर के बिठुर में, और उनका जो दत्तक पुत्र होता है, उनका जो जो एडोप्टेड सन होता है जिसका नाम था नाना साहब, और नाना साहब को वही पेंशन देने से इनकार कर देते हैं ब्रिटिशर्स की, अब आपको उतनी पेंशन या वही पेंशन नहीं मिलेगी जो मिला करती थी किसे, बाजीराव सेकंड को। और साथ ही उन्हें उनका जो इनके जो पूर्वजों का जो निवास स्थान था पुणे, जो इनकी राजधानी हुआ करती थी, वहां से उस क्षेत्र को उन्हें छोड़ने का भी के लिए भी विवश किया जाता है, और उनसे कहा जाता है कि आप कानपुर में अपना रेसिडेंस बनाइए, कानपुर में आपको रहना होगा। तो इस तरह से जो नाना साहब थे उनके ऊपर भी अंग्रेजों के द्वारा ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को चार चीजें बताई हैं, एक सब्सिडरी अलायंस, एक डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, इसके अलावा मुगल्स के साथ क्या किया है, और फिर मैंने बात बताई है कि पेशवाओं के साथ क्या एक्टिविटी इन्होंने की है। इन सबके अलावा सबसे दुखदाई या सबसे कष्टकर अगर कोई इवेंट होता है, सबसे ज्यादा अगर गलत कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी अगर करती है तो वो करती है अवध के साथ। ठीक है, देखिए अवध की अगर बात करें तो अवध गैंगेटिक एरिया में, गंगा वाले क्षेत्र में, गंगा के मैदानी वाले क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश में आने वाला या वेस्टर्न यूपी में आने वाला एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, जो एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखा जाए तो काफी ज्यादा प्रोस्पेरियस रीजन था, और यहाँ की जो पॉपुलेशन थी ये मुख्य रूप से खेती के कार्यों में ही लगी हुआ करती थी। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी में सबसे ज्यादा अगर सोल्जर्स की बात करें तो अवध की ही सेना या अवध के ही सैनिक हुआ करते थे,
चूंकि इन सिपाहियों ने एक राष्ट्रीय एकता की भावना ना होने के कारण अब तक अंग्रेजों के हर एक युद्ध में अंग्रेजों को सपोर्ट किया था। लेकिन अब क्या होता है कि अंग्रेज लोग अवध को ही क्या कर लेते हैं, एनेक्स कर लेते हैं, अवध को ही ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी में शामिल कर लेते हैं। और इसको शामिल करने के पीछे डलहौजी क्या करता है, डलहौजी जो तर्क देता है वो ये देता है कि यहाँ के जो नवाब बाजिद अली शाह हैं वो अवध में अच्छी तरह से शासन नहीं कर पा रहे हैं, अवध में जो तालुकदार हैं उनका काफी ज्यादा उनके द्वारा काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है फार्मर्स पर या आम लोगों पर, ठीक है। तो तालुकदारों को समाप्त करने के लिए और जनता को ठीक से एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, जनता का ठीक तरह से शासन करने के लिए हम यहाँ पर जो नवाब हैं उनके शासन को समाप्त करें, ठीक है। अब तक ध्यान रखना है कि अवध के जो नवाब थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे बड़े सपोर्टर के रूप में जाने जाते थे इंडिया में। भारत में अगर अंग्रेजों के सबसे बड़े समर्थक शुभचिंतक अगर कोई थे तो वो अवध के नवाब थे। लेकिन अवध को भी अंग्रेजों ने अपनी इस साम्राज्य विस्तार की नीति का हिस्सा बना लिया और उसे भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, ठीक है। और अवध को एनेक्स किया गया है, उसके पीछे जो कारण बताया गया डलहौजी का वो क्या था, कुप्रबंधन या बेड एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी के बहाने 11 फरवरी 1856 में इसे हड़प कर लिया गया, इसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया गया और बाजिद अली शाह को पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया गया, ठीक है। इस बात से अवध की जनता या अवध के जो सैनिक ब्रिटिश आर्मी में थे वो काफी नाराज हुए और उन्होंने रिवोल्ट करने की भी स्थिति में वो आ गए, ठीक है ना। ये जो एक्शन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये काफी ज्यादा अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा बुरा इवेंट था और इकोनॉमिकली अगर कंडीशन की बात करें तो उस हिसाब से भी काफी ज्यादा बेड इवेंट हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉलिसी या नेक्स्ट कॉज ऑफ द रिवोल्ट।